नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भगवान। हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको वास्तुशास्त्र के सही उपयोग से जीवन को बेहतर बनाने के बारे में बताते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि वास्तुशास्त्र के छोटे छोटे उपाय भी हमारे जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक उपाय के बारे में बताएंगे जिसे आप हर वक्त नजरअंदाज कर देते हैं, घड़ी की दिशा। जी हां दोस्तों, घड़ी की सही और गलत दिशा आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है। अगर आपने घड़ी अपने घर व दफ्तर में गलत दिशा में लगाई है तो इससे धन व्यवसाय में नुकसान की संभावना बढ़ जाती है, अथवा इससे आपकी तबीयत, घरेलू सुख शांति भी भंग हो सकती है। इसीलिए घड़ी को लगाने की सही दिशा का चुनाव आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों, आप जब भी अपने घर, दफ्तर व दुकान में घड़ी लगाएं तो उसे हमेशा पूर्व, पश्चिम व उत्तर दिशा में ही लगाएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों व ग्रंथों में पूर्व, पश्चिम व उत्तर दिशा को ही शुभ माना गया है। अगर आप इन दिशाओं में घड़ी लगाते हैं तो वह हमेशा आपके लिए लाभदायक रहेगी। इससे आपके पास सुख, शांति व वैभव की कभी कमी नहीं होगी। आपके कार्य में कभी भी अड़चने नहीं आएंगी, आपके सारे ही काम सफल होंगे। तो मित्रों, आपको विशेषकर इन दिशाओं को देखकर ही घड़ी लगानी चाहिए। वहीं अगर आप घड़ी को दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकती है। दक्षिण दिशा को वास्तुशास्त्र में अशुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को यम की दिशा मानी जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यमराज मृत्यु के देवता हैं और मृत्यु को अशुभ माना गया है। मित्रों, इस दिशा में घड़ी लगाने से आपको धन की हानि होगी, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा, आपके मार्ग में अनेकों अड़चनें आएंगी और आपके पारिवारिक रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। इसीलिए भूल कर भी दक्षिण दिशा में घड़ी ना लगाएं। मित्रों, अगर आपको अपने जीवन में सुख, शांति व धन चाहिए तो घड़ी की सही दिशा का चुनाव आवश्यक है, क्योंकि घड़ी आपको समय दिखाती है और अगर आप अपने समय की दिशा शुभ रखेंगे तो आपका समय भी शुभ रहेगा। यह वास्तुशास्त्र की छोटी छोटी जानकारियां आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपको अपना समय अच्छा करना है तो वास्तुशास्त्र का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी यह छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी छोटी छोटी व अहम वास्तुशास्त्र की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।